अब आ जाते हैं हम फेशियल हेयर्स रिमूवल पर, ठीक है। अपने फेशियल हेयर्स को हम किस तरह से रिमूव करेंगे गाइस, मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके दिखाऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले जो है ना, हमने इसको इस पेस्ट को जो आपने जब ये पेस्ट लगाना है, तो मेरी तरह रफ से कपड़े पहनने हैं, ठीक है। न्यू नहीं पहने, वो ख़राब हो सकते हैं, ऊपर गिर सकता है और लग सकता है, तो इसलिए आपने रफ सा पहनना है। मुझे कुछ तुमसे है कहना, दिल करे अभी चुप रहना। सबसे मजे की बात यह है कि इस मास्क को लगाकर आप अपने घर के सारे काम कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप मतलब कि कोई डस्टिंग करनी है, कोई इस तरह का काम करना है, उसका फायदा ये होगा, ये मास्क लगा के जब आप इस तरह डस्टिंग वगैरह करोगे तो फायदा ये होगा कि आपके मुंह के ऊपर कोई भी डस्ट नहीं पड़ेगी। इस तरह करके इसको थोड़ा सा दबा कर इसको उतारना, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मास्क उतारेंगे तो यकीन माने कि आपके 2 से 3 बार इस तरह करने से वाजिया जो है ना, आपके जो फेशियल हेयर्स हैं वो आपको नज़र आएगा, स्किन आपकी जो है पहले से नीट होगी और ये कलर भी फेयर करेगा आपका। और इससे जो आप इस मास्क को अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो इससे आपका पिगमेंटेशन भी जो है वो भी रिमूव होगा, यानी ख़त्म होगा। अच्छा जी, जिन लोगों के फेस पर एक्नी होंगे, यानी बहुत बड़े बड़े एक्नी हैं, तो वो ये मास्क ना यूज़ करें जब तक उनके एक्नी ठीक नहीं हो जाते। जैसे मैं इस तरह से इसको उतार रही हूँ ना, ऐसे करके, इस तरह से मास्क को उतारने से आपकी स्किन काफी हद तक रेड होगी, लेकिन जाहिर सी बात है आप स्किन को मैं छेड़ रही हूँ इस तरीके से और इस तरह टच कर रही हूँ, तो स्किन एक बार रेड होगी तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये खुद ही ठीक हो जाएगी जैसे आप इसको पानी के साथ वॉश करोगे, ठीक है। लेकिन ये जो तरीका है ना गाइस, आपकी सोच है कि आपको कितने परसेंट इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो आपका जो फेस है वो ग्लो आएगा इसके ऊपर, दूसरा आपके पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा, और तीसरा जो है ये आपकी स्किन जो है इसके अंदर से फेशियल हेयर्स को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, कुछ इस तरह से करके। इस तरह सारा मल मल के जो है ना आपने इसको उतारना है, और उसके बाद फिर जब ये सारा इस तरह मल लें, और उसके बाद फिर आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो सॉफ्ट टच का सूथिंग लोशन है वो हल्का सा लगा लें, अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर जो है कोकोनट ऑयल, वो उसको कोकोनट ऑयल को जैसे कि आप रेगुलर अगर फेयर लवली यूज़ करते हो तो फेयर लवली के अंदर मिक्स करके कोकोनट ऑयल को हल्का सा फेस पे लगा लें, ताकि आपकी स्किन को ये ड्राई ना करे, क्योंकि ये जो इसके अंदर इन्ग्रीडियंट हैं वो सब आपकी स्किन को ड्राई कर सकते हैं, इसलिए ड्राइनेस से भी हमने बचना है और फेशियल्स को भी रिमूव करना है। तो इस तरीके से गाइज बहुत जल्दी जो है ना आपके फेशियल हेयर्स गायब हो जाएंगे। और दूसरा जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रही थी, अब 1 सेकंड मैं अभी फेस वॉश करके आती हूँ। मैंने वॉश कर लिया है गाइस, और तो ये आप इसको नोट कर लें गाइस कि इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है। नंबर 1 पर बेसन, नंबर 2 हल्दी, नंबर 3 जो है फटकड़ी को आपने पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना है और पाउडर इसके अंदर ऐड करना है। इसके अंदर पाउडर ऐड करें 3, और 4 पे जो है ना अंडे की जो सफ़ेदी है वो लेनी है, अंडे की जर्दी को निकाल देना है।
अंडे की सफ़ेदी हो गई और उसके बाद जो है दही, इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से पेस्ट बना लेना है। कुछ इस तरह का सारा कुछ आप ऐड करेंगे ना तो ये इस तरह का पेस्ट बनेगा, जैसे कि हमने कोई फेशियल किया हो। इस कदर इसने स्किन को ऐसे स्मूथ किया है, बहुत जो है ना मुझे ये मज़े का लगा है। पहले भी मैं अक्सर ये यूज़ करती होती हूँ, लेकिन सोचा कि अपनी प्यारी सी ऑडियंस को बता दूँगी, अगर आप अपने फेस से फेशियल हेयर्स को ख़त्म करना चाहते हैं, जिन लोगों को फेस पे पिगमेंटेशन है, फेशियल हेयर्स है, उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। और अगर कलर फेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। आप इसको हाथों पैरों पर भी लगा सकते हैं, आपके हाथ और पाँव भी बड़े नीट हो सकते हैं इसके साथ। लेकिन जब आप हाथों पैरों पर लगाएं तो उसके अंदर विटामिन ई का जो कैप्सूल है, इवियोन का कैप्सूल, वो भी आप इसमें ऐड कर लें तो ये आपका और भी अच्छा पेस्ट बनेगा, जो कि आपको व्हाइटिंग इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त देगा। आपको सारी बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।